नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं महुआ के फायदे और नुकसान, जिन्हें जानकर आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित। दोस्तों, महुआ का वैज्ञानिक नाम मधुका लॉन्गिफोलिया है। यह पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है और लगभग 12 से 15 मीटर तक इसकी लंबाई पहुंच सकती है। इसमें मार्च के माह में सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं। यूँ तो इसके फूल के असंख्य गुण हैं, लेकिन मध्य भारत में इस फूल का इस्तेमाल मशहूर पेय महुआ वाइन बनाने के लिए किया जाता है। महुआ में औषधीय और चिकित्सीय गुणों से भरपूर तत्व प्राप्त होते हैं। यह मौसमी फ्लू, बुखार, मिर्गी, कैंसर जैसी तमाम समस्याओं का समाधान है। आयुर्वेद में यह बात सही से साबित हुई है कि ये पूरे विश्व में एक अनमोल दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। महुआ से जुड़े तथ्य। वैज्ञानिक नाम मधुका लॉन्गिफोलिया कुल सेपोटेसी, सामान्य नाम महुआ, महा, महवा, महुलो, लुपई और ईपा। अंग्रेजी नाम बटरनट ट्री। हिस्से छाल, बीज और फूल। भौगोलिक विवरण। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के साथ साथ मध्य और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। महुआ में पोषक तत्व। महुआ के बीज स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट का अच्छा स्रोत है। इसका इस्तेमाल मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। महुआ के हर हिस्से में विभिन्न पोषक तत्व मौजूद है। आइए जानते हैं महुआ के बीजों में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में। प्रत्येक 100 ग्राम के महुआ में पोषक तत्व। कुल वसा 50 से 31 फीसदी, प्रोटीन 16.9 फीसदी, कार्बोहाइड्रेट 22 फीसदी, फाइबर 3.2 फीसदी। महुआ का प्रयोग कैसे करें। मक्खन बनाने के लिए महुआ के बीज का उपयोग पुराने समय से किया जा रहा है। सौंदर्य प्रसाधनों और फार्मेसी में कोको बटर की जगह तथा चॉकलेट और घी में मिलावट के लिए कुकिंग ऑयल की जगह इसका उपयोग किया जाता है। मौसमी अनाज के विकल्प के रूप में महुआ के बीज से बने आटे से रोटी और पूड़ी बनाई जाती है। क्योंकि महुआ के बीज में वसा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए शोध में इसके जैव ईंधन यानी बायोफ्लू के रूप में कार्य करने के संकेत मिले हैं। शुगर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण महुआ के फूलों का इस्तेमाल भारतीय मिठाइयों जैसे कि बर्फी, खीर, हलवा और मीठी पूड़ी बनाने में किया जाता है। महुआ के फलों का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा महुआ के फूलों को पशु जैसे गाय के चारे के तौर पर भी दिया जाता है, इससे उनमें दूध का उत्पादन बढ़ता है। महुआ के फायदे। महुआ के पेड़ में मौजूद औषधीय गुण असंख्य बीमारियों का इलाज करने में सहायक है। महुआ के फूल का रस हृदय रोग, लिकोर या योनि से सफ़ेद पानी आना, मीनोरेजिया यानी मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव होना, पोलीयूरिया, बार बार पेशाब आना, ब्रोंकाइटिस और टॉन्सिलाइट्स में फायदेमंद है। महुआ की छाल का इस्तेमाल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, डायबिटीज मेलिटस और ब्लीडिंग में किया जाता है। गठिया और बवासीर की दवाई के रूप में महुआ की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ सूजन, दस्त और बुखार में बहुत असर कारक होती है। आइए जानते हैं महुआ के कुछ ऐसे फायदों के बारे में जिनकी वैज्ञानिक रूप से भी पुष्टि की गई है। महुआ के फूल खाने के फायदे। अल्सर में गैस्ट्रिक जूस के अत्यधिक बनने की वजह से पेट की म्यूकस लाइनिंग, ये पेट में मौजूद पाचक रसों से पेट की सुरक्षा करने में मदद करती है, में अवरोध उत्पन्न होता है जिसके कारण पेट की अंदरूनी परत में घाव बनता है। अल्सर रोधी गुणों के कारण महुआ को पेप्टिक अल्सर के लक्षणों से राहत पाने में असरकारी पाया जाता है। महुआ का लाभ दांतों के लिए। स्वस्थ मसूड़ों और टॉन्सिलाइट्स के लिए महुआ को लाभकारी माना गया है। इसके इस्तेमाल के लिए महुआ के पेड़ की छाल से निकले 4 मिलीलीटर रस को 300 मिलीलीटर पानी में मिलाएं। मसूड़े से खून निकलने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस मिश्रण से नियमित कुल्ला करें। महुआ के औषधीय गुणों से पाएं ब्रोंकाइटिस से दूरी। ब्रोंकाइटिस की गंभीर स्थिति से आराम पाने के लिए महुआ के फूल से निकले रस को 1 गिलास दूध के साथ मिलाकर पिएं। ब्रोंकाइटिस में सांस नलियां जैसे मुंह और नाक में सूजन आ जाती है। बलगम बनने की वजह से पहले खांसी और फिर घबराहट एवं सांस लेने में तकलीफ होती है। महुआ के फूल बलगम को पतला कर
इसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुणों से युक्त जड़ी बूटी होने के कारण महुआ सूजन को कम कर तुरंत आराम दिलाती है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।